हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सबको दिखा रही हूँ ये मेरा जो वॉश बेसिन एरिया है उसको क्लीन करते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वॉश बेसिन है जो फ़िलहाल काफ़ी थोड़ा गंदा हो रखा है, इसे मैं अभी क्लीन करूँगी। एक्चुअल में वॉश बेसिन को तो डेली ही क्लीन करती हूँ मैं, लेकिन जो इसका प्रॉपर ऊपर से नीचे तक का एरिया होता है या जो कैबिनेट होता है उसकी क्लीनिंग वीकली करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं जो भी सामान एक्स्ट्रा रखा हुआ है, जैसे एक ये शो पीस के लिए मैंने एक रिक्शा ऊपर रख रखी थी, इसको मैं हटा रही हूँ। इस टावल को भी मैं अभी यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि टावल भी चेंज हो जाएगा। और ये एक सोप डिस्पेंसर है, इसको भी मैंने फ़िलहाल हटा दिया है। और सबसे पहले मैं एक कॉटन के कपड़े से पूरे एरिए को वाइप कर रही हूँ। आप देखते होंगे फ्रेंड्स, कभी कभी जिस एरिए को लॉन्ग टाइम हो जाता है साफ किए हुए, उस जगह पे डस्ट के पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, तो ऐसा करने से वो सब हट जाते हैं। ये मेरा एक कैबिनेट है जो वॉश बेसिन के ऊपर लगा रखा है। इस कैबिनेट में जो भी आइटम्स मैंने रख रखे हैं, अभी सबसे पहले मैं उन्हें बाहर निकाल ले रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, खाली करने के बाद इसकी लुक कुछ ऐसी है जो कि अच्छी नहीं लग रही है। तो अब मैं इसको सबसे पहले साफ़ कर लूँगी, पहले सूखे कपड़े से और फिर उसके बाद गीले कपड़े से। अब इस गीले वाइप से ही मैं पूरी टाइल्स को भी क्लीन कर दूंगी अच्छे से, ताकि उन पे शाइनिंग भी बनी रहे और सारा डस्ट वगैरह जो भी है वो सब हट जाए। अब फ्रेंड्स, इस कैबिनेट के ग्लास को क्लीन करने के लिए मैंने कोलीन लिया है और उसको इस पर स्प्रे कर दिया है ग्लास के ऊपर। एक टिश्यू पेपर की मदद से अब मैं इसको एकदम क्लीन कर दूंगी। और इस तरह से क्लीन करने से ग्लास में बहुत ज़्यादा शाइनिंग आ जाती है। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं हो तो आप यहाँ न्यूज़पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, अब जितने भी आइटम मैंने कैबिनेट से बाहर निकाले थे, जितने भी पेस्ट ब्रशेस, इन सबको मैं पानी से ही धो दूंगी और फिर इनको सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। अब ये मैंने एक स्क्रब लिया है और इसके ऊपर मैंने सोप लगाई है,
और सोप लगाने के बाद इसको मैं पूरे वॉश बेसिन पे अंदर बाहर ऊपर इवन नल पे जिसे टैप कहते हैं स्टैप पर भी मैं इसको अच्छे से लगा दूंगी और बढ़िया से रगड़ दूंगी इससे। बस फिर फ्रेंड्स इसके बाद इसको अच्छे से पानी के साथ मैं धो दूंगी। ये देखिए जैसे ही मैं इस पे टैप पे पानी डाल रही हूँ वो सोप जब हटी तो देखिए टैप कितना शाइन कर रहा है। फिर फ्रेंड्स इस कॉटन के कपड़े को मैं पानी से अच्छा सा गीला करके इससे वॉश बेसिन को अच्छे से साफ़ कर दूंगी। उससे ये बेनिफिट रहेगा कि कोई भी पानी का जो स्टेन होता है दाग रह जाता है जो बाद में दिखाई देता रहता है वो नहीं रहता और वॉश बेसिन भी सूखा रहता है। फ्रेंड्स अब ये मेरे पास एक ब्लूटूथ लाइट बल्ब है, इसको मैं वॉश बेसिन वाली एरिया में सबसे ऊपर एक होल्डर दिया हुआ है यहाँ पर लगा रही हूँ और इस बल्ब को मैं अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेती हूँ, ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेती हूँ और फिर गाने चला लेती हूँ। और ये इसका एक छोटा सा रिमोट है जिसमें बहुत सारी लाइट्स अलग अलग हम चेंज कर सकते हैं जब हम गाने चलाते हैं, मैं आपको चेंज कर करके दिखा रही हूँ। सो फ्रेंड्स क्लीनिंग हो गई है, अब मैंने इस सोप डिस्पेंसर को वापस लगा दिया है और इसको मैं रिफिल कर रही हूँ। कैबिनेट के ऊपर मैंने अब अरोमा डिफ्यूज़र को रख दिया है वो रिक्शा वाला हटाकर, और जो भी सारे मैंने इसके अंदर से सामान निकाला था उन सबको वापस से अरेंज कर रही हूँ और कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स भी अब मैं यहाँ पे रख दूँगी जो मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। अभी ये कैबिनेट पूरा सेट हो गया है फ्रेंड्स, इसमें मैंने एक लिप बाम रखी है जो पेंसिल की डिज़ाइन में है, चंदन रखा है, अरोमा डिफ्यूज़र का एसेंशियल ऑयल रखा है और बाकी सब जो सामान था वो एज इट इज़ इसमें रख दिया है मैंने। फ्रेंड्स फेस वॉश करने के बाद अक्सर क्रीम भी लगाते हैं हम या मॉइस्चराइज करते हैं अपने फेस को, तो उसके लिए मैंने एक दो क्रीम यहाँ पे और एक मॉइस्चराइज़र भी यहाँ रख दिया है। तो अभी ये कैबिनेट कंप्लीट हो गया है। कैसी लगी आपको मेरी ये वॉश बेसिन क्लीनिंग की वीडियो? अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स इसको एक लाइक दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। जब फ्रेंड्स मैं वॉश बेसिन को क्लीन कर देती हूँ उसके बाद मैं एक नैपथिन की टैबलेट यहाँ डाल देती हूँ और अब लास्ट में बचा है कि जो मैंने टावल वहाँ से हटा दिया था पुराना वाला, तो अब उस टावल को चेंज कर देती हूँ। तो ये एक दूसरा टावल है, इसको मैं यहाँ पर हैंग कर देती हूँ। तो बस ये वीडियो थी आज तक, तो अब मेरा ये वॉश बेसिन वाला एरिया कंप्लीट रेडी हो गया है, डीप क्लीन हो गया है और अब आप देखिए इसकी पूरी लुक कैसी लग रही है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।